नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आप हमारे होटल के सॉफ्टवेयर में आप अपनी परचेज को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। सारा आपको इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे। तो जैसे हमारे होटल एंड रेस्टोरेंट के परचेज जो होती है, लाइक हमारी पनीर हो गई, सब्जियां हो गई, वाटर बॉटल्स हो गई, ऐसे तमाम जो चीज़ें हमारे होटल्स में यूज़ होती हैं, जो डेली की परचेज होती हैं, उन सभी की परचेज हमने कैसे मेंटेन करनी है अपने सॉफ्टवेयर में, इस चीज़ को हम इस वीडियो में आज हम देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे परचेज पे क्लिक करना है। हमारे यहाँ पर मेनू बार पे परचेज पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी डेट आ जाएगी और हमें यहाँ पे कंट्रोल F3 करके पार्टी क्रिएट करना है कि हम पनीर किस पार्टी से ख़रीदते हैं, वाटर बॉटल किस कंपनी से आता है, ताकि उनका जो सारा लेज़र है वो सारा मेंटेन हो सके। सपोज कीजिए कि आज हमने बिस्लरी की वाटर बॉटल हमारे पास आई है। परचेज टाइप अगर आपको टैक्स लग के आ रहा है तो आप टैक्स सेलेक्ट कीजिए, अदरवाइज़ आप टैक्स फ्री सेलेक्ट कीजिए। जो भी बिल नंबर हमें क्लाइंट दे रहा है वो बिल नंबर हमने यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे हमने आइटम सेलेक्ट करनी है। सपोज कर लीजिए वाटर बॉटल्स 250 बॉटल्स आ जाई हैं और रेट हमें लग के आया है 15 रुपये 50 पैसे। ऑटोमेटिकली उसका रेट कैलकुलेट कर लेगा हर चीज़। जो जो भी इनसे हमारे बिस्लरी से आता है सामान, वो सारा हमने परचेज इस तरह चढ़ाना और सेव कर देना है। अब सपोज कीजिए एक और एंट्री डालते हैं, आज हमने कैश में पनीर मंगाया है। कैश किस पार्टी से मंगाया है उनकी डिटेल भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। टैक्स लग के आया आइटम पे टैक्स, उनका बिल नंबर अगर बिल दिया उन्होंने तो यहाँ पर हमने सपोज कीजिए पनीर आज लिया है, 35 किलो पनीर आया है 225 रुपये के रेट के हिसाब से। याद रखिए कैश आया है तो कैश का लेज़र वो हमें कैश बुक में शो होगा, इनकी कैश का लेज़र नहीं बनता हमारे। अगर कैश की जगह हम पार्टी सेलेक्ट करते तो इनका जाके लेज़र मेंटेन होता और हम इनको डायरेक्टली सेव कर देते हैं। अब आप कह रहे हैं हमने भाई इनसे सामान तो ले लिया है, इनकी पेमेंट हमने करनी है, पेमेंट का हिसाब किताब कहाँ रखेंगे? तो पेमेंट का हिसाब किताब भी सारा कुछ आपने हमारे सॉफ्टवेयर में ही करना है। सपोज कीजिए अब हमने आपका बिस्लरी का अपने बॉटल्स आई, उनको आपने चेक देना है या कैश पेमेंट करनी है, आपने क्विक पेमेंट पे क्लिक करना है। डेट अगर आप कैश दे रहे हो तो कैश सेलेक्ट कीजिए, अगर आप चेक दे रहे हो तो बैंक का सेलेक्ट कीजिए। सपोज मैं इनको कैश ही दे रहा हूँ, यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट कर लूँगा बिस्लरी वाटर बॉटल कंपनी। इनका देखिए ऊपर बैलेंस शो हो जाएगा कितना इनको बैलेंस हमने देना है, 3875। तो हमने जितना भी इनको पेमेंट आज करनी है कैश, सपोज कीजिए हम 3500 पेमेंट कर रहे हैं, जस्ट डाल के सेव कर दीजिए। अब अगर आप इनकी लेज़र देखना चाहते हो कि अगर इनका लेज़र कितना मेंटेन, कितना रह गया, क्या बैलेंस है, तो यहाँ पे लेज़र दिया हुआ है। जस्ट आप पार्टी को सिलेक्ट कीजिए, कौन से डेट से कौन से डेट तक, आपको सारा मिलेगा कि आपने परचेज़ की उनसे 3875 का, उनको आपने कैश उसी दिन पेमेंट दिया 3500, कुछ भी सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। कभी भी आप उनको प्रिंट करके, आप प्रिंट उनको देना चाहते हैं लेज़र का, कि पार्टी कहती है कि हमें लेज़र का प्रिंट दीजिए, कब कब आपने माल दिया था और कब कब हमने पेमेंट आपने की थी हमें, उसका विद इन वन क्लिक आपके सामने ये देखिए पार्टी का आपको रिसिप्ट निकाल के उन दोस्त से दे सकते हैं प्रिंट करके लेज़र का, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए पेमेंट के लेन देन में। इस तरह से आप अपना सारा जो है परचेज मेंटेन कर सकते हैं। इसमें आपकी देखिए कैश बुक में सारा शो हो जाएगा, जो जो आपने कैश लिया होगा सारा दिन, कैश परचेज सेल की होगी, सारा टोटली आपको कैश बुक में शो हो जाएगा। डे बुक में A to Z आपको जो भी, चाहे क्रेडिट है चाहे डेबिट है, वो सारा एक एक चीज़ आपको शो हो जाएगी। आपने बैंक एंट्रीज, आपने अगर बैंक एंट्री करनी है तो बैंक की एंट्री, सपोज कीजिए HDFC बैंक में आज मैं अपने खाते में कैश जमा करा रहा हूँ या किसी को चेक दे रहा हूँ, ले रहा हूँ, यहाँ पे सारी फैसिलिटी है। ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, विड्रा कर रहा हूँ, डिपॉजिट कैश इनटू बैंक कर रहा हूँ, अपने ही बैंक में आज मैंने लिए, मैंने 2.5 लाख रुपए जमा कर दिए। रिमार्क किसके हाथ से भेजे थे? मैंने मोहित जी से कैश भेजे थे बाय कैश, ताकि हमारे पास रिकॉर्ड रहे कब कब कौन कौन लेके गया हुआ है। हम इसी तरह से अपने बैंक की सारी डिटेल्स, सारा कुछ अपने यहाँ से अकाउंट बुक में जाके हम देख सकते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में कि क्या क्या हमने कब कब पेमेंट दी है, क्या आया है हमारे बैंक में, कितना जमा है, सारी डिटेल्स आपको मिलती रहेंगी।
इसमें आपको सारा वीडियो, इसमें सारा परचेज और बैंक की एंट्रीज आपको सारा बताया हुआ है। आगे और भी अगर आपकी कोई भी रिक्वायर, कोई भी क्लाइंट्स, कोई भी व्यूअर्स आपकी भी वीडियोस की रिक्वायरमेंट हो तो आप बताएंगे तो हम वो वीडियोस ज़रूर बना के यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।